वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? और आज मैंने अभी जो है अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, मैंने सवाल ले लिया है और अभी आई हूँ किचन, ब्रेकफास्ट करूँगी और सोचा ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं और उसी के साथ साथ स्टार्ट करते हैं ब्लॉगिंग। सो आज अभी मैं और प्रिंस ब्रेकफास्ट करेंगे, तो आज ब्रेकफास्ट सोच रहे हैं केलॉग्स खा लेते हैं। और ना, और अभी इतनी ठंड हो रही है ना, वेदर पूरा चिल है और हैदराबाद में बहुत ठंड हो रही है। अभी तो स्टार्ट हुआ है फिर भी इतना ठंड है। आज फर्स्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया इतने क्लोज से बात करने के लिए। पता नहीं मैं कहाँ देख रही हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। एक्चुअली मैं दूर से जब वीडियो शूट कर रही हूँ तो कुछ पता नहीं चलता कहाँ देख रही हूँ, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट इतने पास में पता नहीं चल रहा है। देखते हैं एडिटिंग के टाइम क्या होता है, अगर कुछ इधर उधर होगा तो मैं डिलीट कर लूँगी। और तो चलिए, बहुत लेट हो चुका है, करते हैं जल्दी से ब्रेकफास्ट। आपने कर लिया क्या? ओके। आप क्या खाओगे बोलो ना। आप क्या खाओगे आप निकलो। आपको कौन सा खाना है? Only this. स्टार मून नहीं खाना है? और ये वाला? स्टार मून नहीं खाना है? कैप लगा लो। Thank you.
प्रिंस लो आपका। सो यहाँ पे हमारा चल रहा है आज लेजी वाला ब्रेकफास्ट, बट ये बहुत हेल्दी भी रहता है खाने के लिए। और कभी कुछ मूड नहीं है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए तो मैं अक्सर यही हम दोनों खा लेते हैं। और ये हम उसी टाइम पे ज़्यादा खाते हैं जब मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं घर पे, उनका बाहर होता है ब्रेकफास्ट, उसी टाइम पे हम दोनों यही खा लेते हैं। और प्रिंस को चोकोस बहुत पसंद है, वो ज़्यादातर डिनर में भी चोकोस खा लेता है। तो यहाँ पे हम दोनों आराम से बैठ के टीवी देख के कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। और आज हमारा लंच भी कुछ सिंपल ही बनाऊंगी हम दोनों के लिए, क्योंकि आज हस्बैंड जो है घर पे लंच नहीं करेंगे, उनका ब्रेकफास्ट लंच जो है सब बाहर ही हो रहा है, क्योंकि उन्हें उनका कुछ काम है बाहर, तो वो बाहर गए हैं और वो डायरेक्ट नाइट में ही आएंगे। इसलिए आज पूरा दिन मैंने कुकिंग से, जब हम दोनों के लिए खाना बनाते हैं तो कुकिंग का इतना कुछ ऐसे नहीं रहता है, कुछ भी एक दो बना लेते हैं हम दोनों खा लेते हैं, बट हस्बैंड रहते हैं तो कुछ भी ज़्यादा उनके पसंद से करना पड़ता है। तो आज ना ब्रेकफास्ट ना खाने का कुछ टेंशन नहीं है, ब्रेकफास्ट तो हो गया है और देखते हैं लंच में क्या बनाऊंगी। और आजकल तो मुझे लंच में लेमन राइस खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ठंड की वजह से और कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता है, जैसे एक्चुअली हेल्थ की वजह से थोड़ा मुझे कोल्ड था और कफ है, इसकी वजह से खाना मैंने कुछ भी ऐसे वेज, मैं तो नॉन वेज नहीं खाती हूँ अभी, तो वेज में ऐसे कुछ खाना अच्छा नहीं लगता है। लेमन राइस बना लेती हूँ और पापड़ अचार के साथ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कल भी खाई थी। देखते हैं आज क्या बनाती हूँ और क्या होता है लंच में, अगर कुछ बनाऊँगी तो अच्छा सा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे एक फ्रेंड है और उनकी वाइफ जो है बहुत अच्छा लेमन राइस या पोलियारम ऐसे बनाते हैं, सो मैं उन्हें बोल रही थी कि आप अपने वाइफ से पूछ के मुझे रेसिपी बताइए, क्योंकि लेमन राइस जो है मैं जैसे बनाती हूँ अच्छा लगता है, और वो बोल रहे थे कि वो बहुत अच्छा बनाते हैं, तो मैं अगर वो मुझे रेसिपी बताएंगे तो मैं वो रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे प्रिंस का जो है ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हो चुका है, तो अभी वो ब्रेकफास्ट कर रहा है और इसी टाइम पे हम दोनों यहाँ पे बैठ बात भी थोड़ा करते हैं, और उसी के बाद वो चला जाएगा फिर से अपना स्टडी करने के लिए। तो यही एक घंटा मिलता है हम दोनों बात करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, अदरवाइज़ वो अभी छोटा है फिर भी पढ़ाई का इतना प्रेशर रहता है, स्कूल में बहुत कुछ आता है, होमवर्क आता है, राइटिंग करने के लिए आता है, तो ये सब कर लेते हैं और मैं अपना काम करती हूँ और उसी के साथ साथ वीडियोस भी बनाती हूँ, इसलिए उतना टाइम नहीं हो पा रहा है। और ऐसे ऐसे जो टाइम मिलता है तो उसी के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। जब टीवी देखते हैं ना एवरीडे हैरी पॉटर हैरी पॉटर हैरी पॉटर, पता नहीं इस मूवी में क्या है इतना। चोकोस खाने के लिए एक घंटा कितने बजे स्टार्ट करोगे पढ़ाई? ये तो एक घंटा लगेगा,
जल्दी खत्म करो प्रिंस, 11:30 में स्टडी स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की छोटी सी ब्लॉग। अगर आपको मेरी ब्लॉग थोड़ी सी भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स को लाइक कीजिए, उसी के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय टीटा, सी या।